बॉलीवुड जगत के दो दिग्गज अभिनेताओं की एक घटना सामने आई है। अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद दोनों के बीच घटी एक घटना को जानकर आप भावुक हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बताते हुए गुरुजी यानी कि पंकज त्रिपाठी भी भावुक हो गए थे। मामला मनोज वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। इस सप्ताह एक टेलीविजन शो में मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों आएंगे। वहां बातचीत के दौरान इन दोनों गैंग्स ऑफ वासेपुर के को स्टार ने अपनी जिंदगी के भेद खुले हैं। एक बार शूटिंग के सिलसिले में अभिनेता मनोज वाजपेयी पटना के एक होटल में रुके थे। उसी होटल में पंकज त्रिपाठी तब कुक यानी कि खान सामा हुआ करते थे। जाते वक्त मनोज की चप्पल होटल में छूट गई थी। होटल ने तय किया कि चप्पल को रख लिया जाए और जब मनोज वाजपेयी दोबारा होटल आए तो उन्हें लौटा दी जाएंगी। लेकिन पंकज त्रिपाठी ने होटल मैनेजमेंट से गुजारिश की कि वो ये चप्पल उन्हें दे दे। अपनी ये कहानी बताते हुए पंकज त्रिपाठी भावुक भी हो गए। पंकज मनोज को अभिनय में अपना आदर्श मानते थे। इसी घटना के बारे में बात करते हुए पंकज का वीडियो भी सामने आया है। पंकज त्रिपाठी ने लिखा कि जिंदगी बहुत सारे उपहार रखती है मनोज भैया, एकलव्य की तरह अगर मैं इनके खड़ा हूं मैं अपना पैर डाल लूंगा। पंकज की इस बात का मनोज वाजपेयी ने भी बढ़िया जवाब दिया है। मनोज ने लिखा कि पंकज जी आपकी सफलता और आपकी विनम्रता हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, सदैव प्रसन्न रहें और चमकते रहें, धन्यवाद बाबू मेरे। इन दिनों मनोज वाजपेयी अभिनीत वेब सीरीज द फैमिली मैन रिलीज होने वाली है, जिस सिलसिले में ये दोनों अभिनेता एक टेलीविजन शो में पहुंचे थे, जहां पर सारा वाक्या इन दोनों अभिनेताओं ने याद करते हुए शेयर किया है, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी बेहद ही भावुक नजर आए, वहीं मनोज वाजपेयी उन्हें संभालते हुए नजर आए। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।